इस वक्त मैं इसकी पुल पे ठहरा हुआ हूँ, ठीक है। इसके वो सामने उस साइड पे ये अलीपुर वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे पंखे भी हैं, चंगेरे हैं जी। अच्छा ये है जी भाई जो बना रहे हैं। ये जी मछली हमारी आ गई है बनके और अभी हम इसको खाना स्टार्ट करते हैं, बल्कि बच्चों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनमोल व्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट रशीद। जो व्यूअर्स आज हम आए हुए हैं हेड पंजनद पे, जो कि अलीपुर के बिल्कुल करीब है हेड पंजनद। और माशाल्लाह बहुत ही बड़ा ये जो है ना तफरी मकाम भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इसकी एक खसूसियत ये है कि ये जो हेड पंजनद है ना, इस पर पंजाब के 5 दरिया आके इस जगह पर एक ही दरिया बन जाते हैं मिल के, यानी कि वो कोलैब करके एक ही दरिया सिंध के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर आगे यहाँ से जो दरिया है ये सारा यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये दरिया सिंध है, ठीक है। और धूप जो है तेज़ है, अभी हम चलते हैं आगे और आपको जो है ना घुमाते हैं यहाँ पे सैर करवाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पानी माशाल्लाह काफ़ी रफ्तार से जा रहा है और ये जो इस वक्त मैं इसकी पुल पे ठहरा हुआ हूँ, ठीक है। इसके वो सामने उस साइड पे ये अलीपुर की तरफ ये रोड जा रही है और इस साइड पे जो है ना ये अहमदपुर शिरकिया की तरफ जा रही है। अभी इसकी दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखें इस साइड से आ रहा है पानी। थोड़ा सा पीछे इतना दरिया जो है ना, जो 5 दरिया आ रहे हैं पंजाब के, वो वहाँ पे आके ना मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसके दरे हैं देखें, अब पानी को यहाँ से रोक लिया जाता है और फिर नहरों को पानी सप्लाई किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आज मैं भी कुदरती तौर पे यहाँ पे इत्तेफाकन आया हूँ फैमिली के साथ। मौसम कुछ अच्छा था लेकिन अभी कुछ गर्मी हो गई है। अभी आगे चलते हैं और हम भी सैर करते हैं और आप भी हमारे साथ सैर करें। व्यूअर्स देखें, ये दो नहरें यहाँ से निकली हुई हैं, यहाँ से हेड से, और ये देखें ये बड़ी नहर है और साथ उसके वो छोटी है और दरमियान में ये छोटा सा क्या कहते हैं जजीरा नुमा जगह बने हुए हैं। और ये देखें ये इस साइड से आ रहे हैं, यहाँ पे देखें व्यूअर्स ये दस्तकारियाँ, ये चंगेरे वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, पंखे भी हैं, चंगेरे हैं और इसके अलावा और बच्चों के खिलौने भी हैं ये देखें यहाँ पे। और इस साइड पे जो है ना ये सायादार जगह है जहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं, आगे बैठ रहे हैं फैमिली। अभी हम आगे चलते हैं और हम भी चलते हैं मछली की तरफ। ये जी इस जगह पे फिश पॉइंट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे से ढाबे बने हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी हुई है, रश है। जो सयाह आ रहे हैं वो यहाँ से बैठ कर यहाँ पे मछली खाते हैं। और यहाँ पे ये दो ही चीज़ें हेड पंजनद पे, या दरिया का पानी देखने वाला और यहाँ पे मछली जो है वो एंजॉय करते हैं। अब अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे रश लगा हुआ, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, हम भी इधर ही बैठे हैं। तो मैंने सोचा है कि ना मछली वाले के साथ ज़रा रेट शेट का पता कर लेते हैं। ये है भाई जिनसे मैंने बनवानी है और अभी मेरे ख्याल ये बना भी रहे हैं। यार ये थोड़ी सी बढ़ा गई ना, ये देखो ए, क्या बढ़ते भी है जी। अच्छा ये है जी भाई जो बना रहे हैं, मैंने तो पकौड़ा बनवाया ये फिलहाल से जी। चलें जी, अभी जब तक ये तैयार होते हैं, मछली तैयार होती है तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे जी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के हम मछली खाएंगे। ये देखें पीछे ये नहर का भी नज़ारा है, ये नहर इधर से दरिया के अंदर से निकल रही है, ठीक है। और इधर 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 देखो, इधर देखो ये ना भी है ना भी, सलाम तो कर दो। और ये है इशार इशार बाबा, ये देखो
और ये छोटे छोटे केबन बने हुए हैं फैमिलियों के लिए, ठीक है, जहाँ पे बैठ के वो पर्दा का निज़ाम है माशाल्लाह, देखिए इस साइड में भी पर्दा है, ये दोनों साइड में पर्दा है, छोटे छोटे केबन बने हुए हैं, तो वो बैठ कर अपना पर्दादारी से है ना खाना खा सकते हैं बैठ कर। और इधर व्यू भी है। वैसे मौसम जो है ना अब थोड़ा गर्म हो रहा है, जब हम घर से निकले तो मौसम अच्छा था, लेकिन अभी धूप तेज़ हो गई है। अनाबिया कैसा फिर लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? अनाबिया पहले जब आई थी ना उस वक्त थी कोई मेरे कह रहे 2 साल की बच्ची है, तो अब माशाल्लाह समझदार है, पहली बार की बात उसको याद नहीं। और ये शाल जो है ना, ईशाल ईशाल गंजू बाबा इधर देखो, इधर इधर इधर, ये ईशाल पहली बार आ रहा है। चलें जी, अभी हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं जब तक आता है खाना। ये जी मछली हमारी आ गई है बन के, और अभी हम इसको खाना स्टार्ट करते हैं, बल्कि बच्चों ने तो स्टार्ट कर लिया है, मैं भी स्टार्ट कर ही देता हूँ। माशाल्लाह शक्ल से तो अच्छी लग रही है, जायकेदार, खाते हैं तो फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं कैसी है। और कभी आप आएँ तो इधर इस साइड पे आप हेड बनना से जरूर चक्कर लगाएं, यहाँ पे जो है ना चीज यही मछली, यही बहुत मशहूर है। आप खा रही हो? अभी हम आए हैं इधर दूसरी साइड पे, दरिया के मतलब दरिया के पार आ चुके हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे छोटा सा पार्क बना हुआ है पीछे उधर, वहाँ पे झूले वगैरह हैं, ठीक है। और इधर से आइसक्रीम लेके दिया बच्चों को, वो खा रहे हैं। और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इधर आपको यहाँ से दरिया का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी सारे इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आई हुए हैं ना, मौसम क्योंकि अच्छा है तो लोग आए हुए हैं आउटिंग पे। तो ये है जी दरिया का व्यू, ये सामने वो ब्रिज है, और यहाँ से ये देखें ये सारा, ये जहाँ दूर दूर तक नज़र जा रही है सारा दरिया ही दरिया में। वैसे इस तरह का ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाना चाहिए, कभी कभी बंदा फ्रेश हो जाता है, ख़ासतौर पर जब बंदा फैमिली को ले जाए, क्योंकि हम लोग जो मर्द हजरात हैं ना, हम तो बाहर घूमते फिरते रहते हैं काम की वजह से, ठीक है, मुख्तलिफ जगह देखते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं फैमिलीज होती हैं वो एक ही जगह पे रह रह के बोर हो जाते हैं, तो उनको भी कभी कभार आउटिंग पे लेकर आना चाहिए, फ्रेश हो जाते हैं वो भी। चलें जी, ये है जी व्यू ब्रिज का। जी व्यूअर्स, अभी जो है ना हेड पंजन से हम आगे जा रहे हैं, तो ये इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह जतोई मस्जिद, तो वहाँ पे अलहदा से एक व्लॉग बनाएंगे, तो वो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त, और वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।